तो हेब्रॉन में ऐसा आप लोग बताया कि जियो सेटलमेंट्स बीच में रहते हैं, एंड क्योंकि बीच में रहते हैं जो प्रॉब्लम्स है वो कुछ 3 से 4 दुगना ज्यादा हो जाती है ये एरिया में। सो दिस इज इंटरनल रिलीजियस बॉर्डर, मुस्लिम कैनॉट गो हियर, जूश कैनॉट गो हियर, एंड दिस इज द ग्रीन रोड, वी कॉल इट शेयर्ड रोड, बट दिस इज द डिवीजन, एंड दिस एक्चुअली इज वेरी यूनिक इन हेब्रॉन। यू कैन नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ सेटलमेंट एनीवेयर इन एक्सेप्ट हेब्रॉन। हेब्रॉन इज द ओनली सिटी लाइक यू कैन सी दिस सिचुएशन। Can I go inside? From India. Muslim? No Muslim. Hindu. Christian? No Christian. Hindu. Okay. No Muslim. No Muslim. No Muslim. वेलकम टू माई चैनल एवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मैनियक। स्वागत है आप लोगों का मेरे अगले वीडियो में फ्रॉम हेब्रॉन पैलेस्टीन। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख लिया तो आप लोगों को पता है कि मैं फिलहाल अभी पैलेस्टीन में हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसी मेरी एक्सपीरियंस थी फ्रॉम इजरायली साइड जेरूसलम से पैलेस्टीनियन साइड वेस्ट बैंक ट्रैवल करने का सफर, एंड कुछ अराउंड 1 घंटे का सफर था जेरूसलम से हेब्रॉन का। और हेब्रॉन आते ही भाई मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो था वो काफी, मतलब मेरा सर खराब सा हो चुका था कि यार इतने सारी चीजें जो फिलहाल मैं रह रहा हूँ, ये वाला एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पे पूरे पैलेस्टीनियंस रहते हैं बट कंट्रोल जो है वो इजराइल करता है, जिसके बारे में धीरे धीरे मैं समझाऊंगा क्या चीज है। एक्चुअली जो हेब्रॉन है गाइस वो पड़ता है साउथ ऑफ वेस्ट बैंक में। साउथ ऑफ वेस्ट बैंक मतलब मैप में दिखाई दूंगा बट ये इजिप्ट की तरफ आता है। बट उसके पहले मैं समझाता हूँ कि पैलेस्टीन जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है। एक्चुअली यार पहले तो ये पूरा रीजन ही पैलेस्टीन था, बट 1948 के बाद जब इजराइल बन गया तब जो वेस्ट बैंक एंड जो गाजा स्ट्रिप है जो फिलहाल आप लोगों को मैप्स में दिखा रहा हूँ वो एक्चुअली कंसिडर किया जाता था कि पैलेस्टीनियन रीजन है। बट धीरे धीरे जब और ज़्यादा वॉर्स हुए और टेंशन बढ़ी इसराइल्स एंड अरब्स के बीच में, तो धीरे धीरे जो इसराइलीज हैं वो ये वेस्ट बैंक का जो पार्ट जहाँ फिलहाल मैं हूँ यहाँ पर भी उन्होंने सेटलमेंट्स बनाने लगे। और धीरे धीरे जो वेस्ट बैंक का भी एरिया है कुछ अराउंड 60% अभी वेस्ट बैंक भी अभी फिलहाल इसराइल कंट्रोल करता है एंड 40% अभी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास कंट्रोल है। तो अभी आपको मैं समझाता हूँ कि ये एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी, H1, H2, ये सारे चीज़ें क्या हैं। तो 1948 में जब फलस्तीन और इसराइल अलग अलग हुए थे तो उसके बाद काफ़ी सारे वॉर्स लड़े गए ज्यूज, इसराइली ज्यूज और अरब्स के बीच में, एंड इसी टाइम के दौरान जो सिचुएशन थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी एंड जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी सिक्योरिटी रीजंस के मामले में। अगर बात करें तो 1990s के अराउंड एक ऑस्लो एग्रीमेंट इनके बीच में किया गया था जिससे कि जो पीस है दोनों कम्युनिटी के बीच में, अरब्स और ज्यूज के बीच में पीस लाया जाए। एंड इसी ऑस्लो एग्रीमेंट के दौरान जो पूरा कंट्री है इसराइली कंट्री है उसको 3 एरियाज में डिवाइड किया गया, एंड दोज एरियाज आर एरिया ए, एरिया बी एंड एरिया सी। अब एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी का मतलब क्या है? तो एरिया ए का मतलब ये है कि वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पर पूरे जितने भी पॉपुलेशन है वो पैलेस्टीनियंस रहती है और जितना भी कंट्रोल है वो एरिया का वो सारी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी करती है, वहाँ पे इजरायली अथॉरिटीज़ का कोई पावर नहीं है। एंड एरिया बी का मतलब ये है कि वहाँ पर जो पावर है वो दोनों पार्टीज़ के बीच में शेयर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सोशल रिफॉर्म्स है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स है, ये सारे जितने भी चीज़ें हैं वो सारे पैलेस्टीनियंस अथॉरिटी कंट्रोल करती है। बट एरिया बी का अगर सिक्योरिटी की बात करें तो वो अगेन इजरायली अथॉरिटीज उस चीज को कंट्रोल करती है। एंड एरिया सी का मतलब ये एक ऐसा एरिया जहां पर पूरा कंट्रोल इजरायली अथॉरिटीज का है, यहां पे सिक्योरिटी, यहां पे रिफॉर्म्स, यहां पे रूल्स सारे इजरायली अथॉरिटीज यहां पे डील करती हैं। एंड पूरे वेस्ट बैंक में अराउंड 60% रीजन ये सारा एरिया सी के अंदर आता है एंड रेस्ट जितना भी है वो एरिया ए एंड एरिया बी में स्प्लिट है। एंड नाउ कमिंग टू द हेब्रॉन, हेब्रॉन में जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि यार जैसे मैं आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में कहा था एंड अभी भी ये वाले वीडियो में कहूँगा कि हेब्रॉन इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट टेंस्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रबल्ड प्लेस इन ऑल वेस्ट बैंक। एंड यहाँ पे हेब्रॉन में चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हेब्रॉन एक ऐसा प्लेस है पूरे वेस्ट बैंक में जहाँ पर जो ज्यूइश सेटलमेंट्स है वो अरब्स के बीच में है। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्थ में अरब है, साउथ में पैलेस्टीनी अरब से, तो बीच में उनके बीच में ज्यूइश सेटलमेंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है जो इस पूरे रीजन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। एंड इसी रीजन के कारण हेब्रॉन में और 2 एक्स्ट्रा टर्म H1 H2 भी आ जाते हैं। ये बस आप लोग पूरे वेस्ट बैंक में बस हेब्रॉन में ही देखने को मिलेगा एंड वो द टर्म है H1 एंड H2। H1 इज़ वेरी सिमिलर टू एरिया ए जहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोग पैलेस्टीनियंस रहते हैं और कंट्रोल जो है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी करती है। एंड हेब्रॉन में ये 80% एरिया आता है इस चीज़ में। एंड H2 जहाँ पर फिलहाल मैं रुका हुआ हूँ एंड जिसका ग्लिम्स मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था आप लोगों को, ये वाला एरिया ऐसा है जहाँ पर पूरा कंट्रोल इजराइल करता है बट यहाँ पे पैलेस्टीनियंस भी रहते हैं।
एंड ये H2 इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट टेंस एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रबल्ड प्लेस जो पूरे हेब्रॉन में आप देखोगे। तो अभी क्योंकि भाई आप लोगों ने जितने भी टर्म्स है और जितना भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री है जो फिलिस्तीन का आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो आप लोग को अगर पता हो तो आप समझ पाओगे, उतना मैंने आप लोगों को बताया। तो गाइस ये है ऐमन जो फिलहाल मेरे आज गाइड होने वाले हेब्रॉन में, और इनको आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था क्योंकि इन्होंने ही मेरे को पिकअप करा था यहाँ पे हेब्रॉन में। एंड ये काम करते हैं जो गेस्ट हाउस में मैं फिलहाल रुका हुआ हूँ। सो यू वर्क विद The partners, yes. But you are also a professional tour guide. Yes. This is the beginning of the Israeli control. We call it H2. So this is actually a checkpost in front of the area. Yes. And here is H2 as well. Yeah. If you look at this side, you can see we have Palestinian people are living here. But this part of the city called H2, it is still under Israeli control. We call it H2, but the thing is, this part has no settlements and this part has no Israeli control, except if Israeli come here and control this. This part doesn't have Israeli control? No, sometimes it's empty without government, but sometimes Israeli soldiers are able to come here if they want to arrest people or control the area. Because this is under H2. Yes. Ayman, I would like to ask, because this is the first day here. Yes. I have heard about this place so many times about Palestine. We have seen the news. How do you think is the life here? Yes. For you as a Palestinian, okay. Because you are born and brought up here. Okay, for me personally, I can say the life here, it seems like a prison, like a cage, and we are prisoners in our lands. So this is an example of what I want to explain. Here we are in the beginning of area, it is called ghost town, because it's really like a ghost town. We have no resources, we have no freedom of movement, we have no possibility even to run a business here, because the checkpoints and the borders and the electronic gates surrounded us. And also, so these are electronic gates? Yes. What do you mean by electronic gates? Electronic gates, the door of the checkpoint doesn't open without Israeli soldier control. If it's going to be red, I cannot cross it, because Israeli can press on the computer button and after this I can cross it. But if it's going to be green, I can get possibility to cross it. Right. So this is an example. If you please look here, you can see that by your eye. Wow. We have Israeli soldiers inside, and the soldier always shouting at people to scare them and intimidate them. So this is an example. इंतिफादा जब भी मेरे गाइड यूज करेंगे, इसका मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट या फिर काइंड ऑफ जो इनके बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी उसको ये इंतिफादा बोलते हैं, काइंड ऑफ लड़ाई बोल सकते हो आप लोग। सो दिस इज ऑल फिलिस्तीनियन हाउस। यस, सो दिस इज द वे हाउ इजरायली ट्रीट फिलिस्तीनियन। दे बिल्ड फेंस हियर एंड आफ्टर 10 o'clock इन द इवनिंग देयर इज कर्फ्यू। सम फिलिस्तीनियन आर नॉट अलाउड टू गेट आउट ऑफ दिस एरिया। तो ये वाला जो गेट बोल रहे हैं, जिन्होंने फेंस क्रिएट करा, यहाँ पे लिटरली फिलिस्तीनियन लोग रहते हैं। तो मेरे गाइड बोल रहे हैं कि जो गेट है ये भी इजरायली लोग, इजरायली मिलिट्री कंट्रोल करती है, क्लोज और ओपन उनके हिसाब से करती है। बाई चांस अगर इजरायली लोगों ने गेट ओपन नहीं करा तो शायद फिलिस्तीनियन लोग अपने घर से निकल नहीं पाएंगे। तो ये यहाँ पे फिलिस्तीनियन घरों के थोड़े बहुत डिमोलिशंस है जो इजरायली अथॉरिटीज़ ने करे, जो मेरे गाइड बोल रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं मेरे गाइड को पूछा था यहाँ पे इतना सारा कचरा क्यों है, तो मेरे गाइड बोल रहे थे क्योंकि ये सारा फेंस के साथ पूरा घेरा हुआ है। लिटरली देख सकते हो ये फेंस जो है वहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ से मैंने दिखाया था आपको गेट, और ये पूरा फेंस चलता ही रहता है यहाँ पे पूरा मतलब एज ए गोल करके सारा उन्होंने फेंस कर दिया है। सारा जितना भी कचरा देख रहे हो आप लोग, ये कचरा क्लीन करने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता। कोई यहाँ पे एक्चुअली में कोई अथॉरिटी है नहीं जो ये वाला पूरा एरिया का टेक केयर करे, एंड इसराइली गवर्नमेंट तो करती नहीं आई है। मैं बता रहा हूँ गाइस, ये सारा एरिया देखने के बाद और ये जो ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रही है, कितना ही मुझे पता है गाइस, मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ, एंड चीज़ें जो होती हैं वो पूरी वाइट एंड ब्लैक भी नहीं होती है, क्योंकि ये फिलिस्तीनियन है। क्योंकि यार इन्होंने इतना कुछ देखा है तो ऑफकोर्स आपको ऐसा लगेगा कि यार शायद ये बस आपको वन साइड ऑफ द स्टोरी समझा रहे हैं, एंड अनदर साइड शायद ये आपको नहीं बता रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा आपको। बट टू
ऑनेस्ट आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि यहाँ पे फलस्तीनी लोग क्या क्या चीज़ों से गो थ्रू करते हैं। प्रोबेबली वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो आप लोगों को यहाँ पे फलस्तीनी देखने को मिल सकती है। एंड अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार शायद ये वन साइड ऑफ द स्टोरी बता रहे हैं, तो जब मैं ज्यूइश सेटलमेंट जाऊँगा तो यहाँ पे ज्यूइश सेटलमेंट्स भी है जो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, वहाँ पर जाकर मैं ज्यूइश से भी बात करूँगा एंड उनसे भी पूछूंगा कि यार उनका क्या ओपिनियन है यहाँ पे जो हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट ये पूरा पॉलिटिक्स, ये पूरा चीज़ें जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको मैं अपने शब्द में समझा नहीं सकता। ये बहुत क्रेजी पॉलिटिक्स है यहाँ पे, जिसके कारण जो नॉर्मल लोग हैं जिनको शायद ही इन सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है वो सफ़र कर रहे हैं यार। एंड दिस इज़ द वर्स्ट थिंग जो मुझे दुनिया के पॉलिटिक्स के बारे में समझ नहीं आती कि यार पॉलिटिक्स करते हैं लोग बट वो चीज़ों को करने के बाद कुछ इनोसेंट लोग इतना सफ़र कर जाते हैं, जैसे फिलहाल आप लोग यहाँ पे देख रहे हो जिनको शायद ही इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क पड़ता हो। यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो भाई काइंड ऑफ मतलब घोस्ट टाउन ही है ऐसा बोल सकते हो आप लोग कि यार लिटरली। मैं अभी यहाँ पे अगेन ग्राफिटीज देख सकते हो आप लोग और ये फिर से उन्होंने फैंस बना दिया यार, देख सकते हो आप लोग। अभी एक चीज़ आप लोग सोच सकते हो कि यार जैसे मैंने आप लोग स्टार्टिंग वाले वीडियो में कहा कि ऐसा हेब्रॉन में ही क्यों है कि ज्यूइश सेटलमेंट जो है वो पैलेस्टीनियन लोगों के बीच में उन्होंने बनाया है, तो इसके बारे में एक हिस्ट्री है जो ये है कि अगर आपको बताऊं तो यार जो ज्यूइश लोग हैं वो यहाँ पे ये वाले पूरे रीजन में बहुत ही सैकड़ों सालों से रहते हुए आए हैं एंड यहाँ पे ज्यूइश लोगों की काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री भी है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो टूम्ब ऑफ इब्राहिम है वो यहाँ पे बरी किया गया है, जो कि इस्लाम एंड ज्यूइज्म दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो एक्चुअली जो लैंड है वो ज्यूइश के लिए काफ़ी होली है, बट ऑल्सो यहाँ पे मुस्लिम्स और अरब्स भी काफ़ी सेंचुरी से रहते हुए आ रहे हैं। बट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी बोल सकते हो ये वाले एरिया में ज्यूज़ की पॉपुलेशन काफ़ी कम थी एंड दिस एरिया वाज अ लॉट इस्लामिक और बहुत ज़्यादा अरब की पॉपुलेशन काफ़ी थी यहाँ पे। और मुझे ये इसका रीज़न नहीं पता कि ज्यूज़ यहाँ से क्यों निकले थे, बट अराउंड 1929-30s के बीच में जब ज़ायनिज्म का टाइम चल रहा था एंड जब ज्यूज़ वापस आ रहे थे ये वाले लैंड में, तब वो टाइम पे कुछ अराउंड 70 ज्यूज़ का मैसेकर हुआ था अरब्स के थ्रू एंड जो ज्यूज़ बच गए उनको हेब्रॉन छोड़ना पड़ा। बट अराउंड 1967 में जो मैंने बताया था आप लोगों को इजरायली अरब वॉर फिर से हुआ था जो 6 दिन में इसराइल जीत गया था, वो वाला वॉर जीतने के बाद जो सेटलमेंट्स है वो यहाँ पे बनने लगी और लिटरली इजरायली फोर्सेस ने बीच में एकदम फलस्तीन और फलस्तीनियंस के बीच में सेटलमेंट बनाया, क्योंकि ये जो लैंड है ये ज्यूज़ के लिए भी काफ़ी होली है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है जो मैं आप लोगों को बस ऊपर समझा रहा हूँ, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही है। बट इसके बारे में अगर आप लोगों को डीप में पता करना है तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगेन आप लोग चेक पोस्ट देख सकते हो, दीज आर इसराइली मिलिट्री। यस, तो यहाँ पे ये इसराइली झंडा और ये कुछ स्पेशल यूनिट का झंडा देख सकते हो आप लोग एंड हर जगह यहाँ पे यार कैमराज सर्वेलेंस में देख सकते हो आप लोग। We can see everywhere there's a checkpoint, and also we have Palestinian families are living here, but they are facing a checkpoint and they have to cross the checkpoint every day in order to reach their houses and to come to their houses. Also on the other side we have a huge settlement, it is called Kiryat Arba, it is the first settlement in Hebron, it was built in 1967. Okay, and this is a buffer zone, this is a mixed zone where Yes. Jews and Arabs both can they can walk but walk. They don't live together. For example, here we can see some Palestinian families are living there. Yes. And they have to walk through the checkpoint. Street yes. to reach their houses. And this is one of the settlements. It is the biggest settlement in Hebron. So वहाँ पे मेरे गाइड बोल रहे हैं कि एक settlement है जहाँ पर अगेन आप लोग मुझे एक्जैक्टली पता नहीं GoPro में आप देख पा रहे हो कि नहीं, वहाँ पे मुझे लिटरली काफ़ी सारे checkpoint देखने को मिल रहे हैं वॉच टावर के साथ, जो कि काफ़ी फैसिनेटिंग है मेरे लिए। मैं एज ए टूरिस्ट घूमने आया हूँ, बट यार ये सारा प्लेस देख के इतनी एंग्शियस वाली वाइब आ रही है, इतना डरा हुआ माहौल लग रहा है कि क्या बताऊँ आप लोगों को मैं। इज दैट एरिया इन H1? No, or? H2. Remember, all settlements in H2. All settlements are in H2. H2. Yeah, H1 it's Palestinian. Palestinian side. In H2 you can see Jewish settlements. If you look here, yeah. On the left is Jewish settlements and on the right Palestinian neighborhood. But this is H2. Uh-huh. And this is also H2. Okay. We are in the mixed road. तो जैसे मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि Jewish settlement से वो बीच में है, तो ये आपको बढ़िया view दे सकती है। वो वहाँ पे Jewish settlement है, यहाँ पर Palestinian लोग रह रहे हैं। ये exactly भाई बीच में आ रहा है इनका settlement। तो ये मेरा बोलने का मतलब था जब मैं आपको समझा रहा था कि बीच में है। एंड दिस एक्चुअली इज वेरी यूनिक इन हेब्रॉन, यू कैन नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ सेटलमेंट एनीवेयर इन एक्सेप्ट हेब्रॉन। Hebron yeah. is the only city like you can see the situation. Okay, and so in this road Palestinians cannot use this road? No, they can only use feet. They can walk. Walk, okay. Yeah, but not using cars. Oh, they cannot use cars? No. Oh, what is this rule? Because this theory aims to make life difficult for uh-huh. local. And then people yeah, will be yeah, done. यहाँ पे लोग चल सकते हैं बोल रहे हैं बट कार यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ज्यूइश एरिया है।
यहाँ पे देख सकते हो भाई, आर्मी मिलिट्री कार्स, इस पुलिस और मिलिट्री मिलिट्री। वी कैन सी सम हाउसेस हियर इन दिस एरिया, दिस इज ऑल पैलेस्टिनियन हाउस, एंड आल्सो वी कैन सी पैलेस्टिनियन हाउसेस हियर, बट सम पैलेस्टिनियन पीपल हु लिव ऑन द अदर साइड दे कैनॉट कम टू दिस एरिया विदाउट क्रॉसिंग द चेक पॉइंट। This is an example of the division in H2, on the other side H2 and okay. Here is H2, but on the other side we have only Palestinian people live there under Israeli control, and here we have mixed area, and you can see the roadblock, the concrete is dividing between H2 and H2. Yeah, ye wala mahol jo hai isse aap samajh sakte ho ki bhai ye jo area itna zyada complex hai, to us side jo hai wo bhi H2 mein aata hai, ye jo yahan pe khada hu main ye bhi H2 mein aata hai, par hamari H2 aur H2 ke beech mein, kyunki ye jo hai wo buffer zone hai, yahan se jo Jewish log travel karte hain, ye literally na ghar ko yaar aise divide kara hai, dekh sakte ho aap log yaar, matlab jo log jo agar kisi ka rishtedar agar us taraf rehta hai to usko literally ghoom ke aana padega, and यहाँ से वो नहीं आ सकता क्योंकि अगेन पॉलिटिक्स। हाँ माय गॉड, मैं लिटरली बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों की लाइफ कैसी होती होगी, क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मी बीइंग फ्रॉम इंडिया, इतना आज़ादी है हमको जो भी चीज़ करते हैं, ऐसे प्लेस में जब आता हूँ तो मैं बिल्कुल भी सोच नहीं पाऊँगा कि यार ये लोग क्या चीज़ गो थ्रू करते हैं और ये लोग क्या चीज़ों से रोज़ इनको गुजरना पड़ता है। बट वट एवर इट इज़, दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ दिस प्लेस हेब्रॉन। एंड ऑल्सो आप लोग एक चीज़ गौर करोगे, यहाँ पे जितने भी शॉप्स हैं, जब मैं फर्स्ट वीडियो में जब मैंने यहाँ पे आया था, मैं हेब्रॉन जब मैं बस से उतरा था, मैंने बोला था कि यार ये सारे शॉप्स क्लोज क्यों हैं, मैं वो वाला क्लिप डाल दूंगा। अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली ये सारे शॉप्स ऐसे बंद क्यों हैं, मे बी ये शायद मुस्लिम्स ओन करते होंगे, एंड प्रोबेबली बिकॉज अभी रमदान का टाइम चल रहा है तो सारे शॉप्स वगैरह क्लोज है। तो ये आप लोगों ने क्लिप देखा जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि लिटरली ये सारे शॉप्स क्लोज क्यों हैं, मुझे लगा था कि शायद ये रमदान का टाइम है इसलिए शायद क्लोज है, बट मैं गलत था। ये मेन रीज़न वाई दिस शॉप्स वेर क्लोज, ये स्ट्रीट है, काफ़ी बिजी मार्केट हुआ करता था एंड कमर्शियल सेंटर हुआ करता था, बहुत सारे लोग यहाँ पे चीज़ें बेचा करते थे। बट 1990s के अराउंड, एग्जैक्टली ईयर मैं लिख दूंगा, एक अमेरिकन ज्यूइश यहाँ पे आया था एंड यहाँ पे मॉस्क में उसने अटैक किया था, कुछ अराउंड आई थिंक एग्जैक्टली नंबर्स नहीं पता, बट कुछ अराउंड 70 लोग उसमें इंजर्ड हुए थे और आई थिंक 15-20 लोग उसमें मारे गए थे, ज्यूस ने मॉस्क के अंदर जाके अटैक किया था। एंड वो वाले टाइम के बाद यह वाला जितना भी एरिया है, जितने भी शॉप्स थे वो इसराइली मिलिट्री ने बंद कर दिया, और उस टाइम से ये जितने भी शॉप्स हैं वो कभी फंक्शन नहीं करते। तो जो मैं वो वाला एरिया दिखा रहा था आप लोगों को, वो सारा सेटलमेंट का एरिया है जहाँ पे एक्चुअली मार्केट था, जो कि अभी क्लोज डाउन हो चुका है और कोई वहाँ पे चीज़ें फंक्शन नहीं करती। यार मुझे पता नहीं यार आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, दिस इज़ सो क्रेजी, मैंने लाइफ में कुछ ऐसा नहीं देखा। और यहाँ पे भाई आप लोगों को हर टाइम यहाँ पे ऊपर आसमान में एक जेट की आवाज़ आती रहेगी, आई थिंक घंटे में एक दो बार तो आ जाती है यहाँ पे आवाज़, ये आपको बताने के लिए आपकी भले ही फलस्तीन में हो आप, बट यहाँ पे राज इसराइल का है तो ये आप काफ़ी एक्सपीरियंस करोगे यहाँ पे। तो ये आप कार देख रहे हो, ये कार जा रही है, बट दिस इज़ अगेन इसराइली कार एंड फलस्तीन कार के नॉट go through this okay, also plane. Let me speak something important. We have some Palestinian families are living here. Sometimes they are facing attacks from the extremist settlers. Sometimes Israeli settlers throw stones at them. Sometimes Molotov cocktail. Sometimes dirty stuff. They are targeting them in order to take over their houses and push them away and also make the city empty. We can see this is a new settlement. Was recently. This is a new settlement? Yes. So Jewish live here? Yes. तो यहाँ पे भाई लिटरली देख सकते हो एडवर्टीजमेंट ज्यूइश सेटलमेंट्स का, जो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, लिटरली फलस्तीनियन घर के यार आसपास यहाँ पे फलस्तीनियन रहते हैं, यहाँ लिटरली उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट बनाया है। तो यहाँ पे सारे घरों में आप लोग यार वो क्या बोलते हैं जाली देख सकते हो, और जाली इसीलिए क्योंकि ये मेन रोड है एंड यहाँ पे मेरे गाइड बोल रहे हैं काफ़ी सारे अटैक्स होते हैं तो जाली के थ्रू सेफ फील करते हैं। दिस इज द रोड टू द मॉस्क, यस, एंड हियर ज्यूज कैनॉट गो, यस, एंड मुस्लिम कैनॉट गो हियर, दैट साइड, सो दिस इज इंटरनल रिलीजियस बॉर्डर, मुस्लिम कैनॉट गो हियर, ज्यूज कैनॉट गो हियर, एंड दिस इज द ग्रीन रोड, वी कॉल इट शेयर्ड रोड, but this is the division. So now I cannot go with you to the synagogue. I wish you can go by yourself and explain to the watchers about how is the division. So you walk here and then turn to the left and I wait for you here and take as much as you as long as you want and after we can meet here. So yahan pe bhai dekh sakte ho ye hai area mosque ke liye and ye hai area, sorry, no picture here,
Here, no pictures. Okay. Can I go inside? Where are you from? From India. What Muslim? No Muslim. Hindu. Christian? No Christian. Hindu. Okay. No Muslim. No Muslim. Muslim. Yes. Okay. Thank you. तो यहाँ पे भाई चेक पोस्ट में यार लोग इन्होंने मेरा रिलीजन पूछा. काफ़ी वियर्ड था. कभी किसी ने यार ऐसे करके मेरा रिलीजन नहीं पूछा, स्पेशली आर्मी वालों ने. यहाँ पे अगर आप मुस्लिम हो तो आप इस तरफ जो ज्यूस का साइड है वो आप नहीं जा सकते, और अगर आप ऐसे कंट्री से आते हो जो मुस्लिम नहीं है वो दोनों साइड ट्रैवल कर सकता है, सिनेगॉग भी और मॉस्क भी. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हैसिडिक ज्यूस, जिनके बारे में मैंने काफ़ी बढ़िया वीडियो बनाया था जेरूसलम में. एंड यहाँ से भाई हम लोग अभी एंटर करने वाले हैं सिनेगॉग ऑफ अब्राहम. एंड यहाँ से आप देख सकते हो मेरे गाइड नहीं आ पाए, क्योंकि वो मेरे गाइड ऐमान जो है वो फिलिस्तीनियन है, तो वो इस तरफ नहीं आ सकते. ये फिलहाल बड़ा देख सकते हो इस तरफ पूरे ज्यूज है. यहाँ पे आप लोगों को कोई मुस्लिम देखने को नहीं मिलेगा. यार ऐसा माहौल मैंने यार लाइफ में कहीं नहीं देखा. पूरा जितना भी सराउंडिंग में देख रहा हूँ, दिस इज सो स्ट्रेंज फॉर मी, आई एम टेलिंग यू. यार इतना स्ट्रेंज है ना यार, ये क्या बताऊँ मैं. बस ये बस सिनेगॉग है एंड उस तरफ मॉस्क है, बट यहाँ पे पार्टीशन हो रखा है दोनों का. एंड ये पार्टीशन नॉर्मली हुआ था अमेरिकन जू ने जब अटैक किया था मॉस्क में, उसके बाद से तो चीज़ें वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है. अगर आप लोग को फिर से बता दूं तो ये वाला जो प्लेस है ये ज्यूज के लिए सेकंड मोस्ट होलीस्ट प्लेस है, एंड मुस्लिम्स के लिए फोर्थ आफ्टर जेरूसलम. मुस्लिम्स के लिए मक्का मदीना एंड देन जेरूसलम एंड देन ये वाला द प्लेस ऑफ हेब्रॉन. एंड काफ़ी सारे प्रॉफिट्स के यहाँ पे टूम्ब है, जिसकी वजह से ये फोर्थ मोस्ट होलीस्ट प्लेस हो जाता है मुस्लिम्स के लिए एंड सेकेंड मोस्ट होलीस्ट प्लेस फॉर ज्यूश. तो भाई यहाँ पर देख सकते हो भाई यहाँ पे ये लोग अपने रिचुअल्स कर रहे हैं सारे, आई थिंक अपने ये शायद होली बुक के साथ. तो ये भाई माहौल है यहाँ पे जिसने वॉक के अंदर का, अगर मैं बताऊँ तो आना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे सेक्शन है और मी बीइंग नॉट फॉलोइंग दिस रिलीजन मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर चीज़ें क्या क्या हैं. बट आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसको यार मुझे बता देना कि क्या क्या चीज़ें हैं. ये काफ़ी सारे अपने रिचुअल्स कर रहे हैं. और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ गौर कर सकते हो कि ये साइड जो है ये मेन लोगों का, एंड ये साइड यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है, बैरियर के उस तरफ यहाँ पे वुमेन जो लोग हैं वो लोग अपने रिचुअल्स कर रहे हैं. एंड ये फ़िलहाल यहाँ पे सारा माहौल है गाइस. तो ये जो प्लेस है ये आई थिंक द टोम ऑफ अब्राहम है, जो फ़िलहाल देख सकते हो आप लोग. यहाँ पे लिखा है टू मॉन्यूमेंट ऑफ पेट्रियार्क अब्राहम. भाई तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे मॉस्क तरफ आए हैं, सिनेगॉग लेके गया था मैं आपको. तो भाई प्रॉब्लम ये हो चुकी है भाई, मैं अभी सिनेगॉग में था और यहाँ पे रूल ये है कि भाई मॉस्क में प्रे टाइम से पहले ही टूरिस्ट जा सकते हैं, प्रे टाइम के बाद ये बोल रहे हैं कि टूरिस्ट अलाउड नहीं है मॉस्क में. यार पता नहीं यार अभी ये विजिट कर पाएंगे नहीं. तो अनफॉर्चुनेटली यार प्रे टाइम शुरू हो गया था एंड हम जा नहीं पाए मॉस्क प्रे टाइम से पहले. अगर आ जाता तो शायद मैं जा पाता, बट एनीवेज वो दूसरा साइड तो मैंने दिखा दिया. द थिंग इज़ दोनों तरफ से लोग एक ही चीज़ के लिए जाते हैं, बट यही है कि दोनों सेपरेट किया गया था. मुझे काफ़ी फैसिनेशन थी और काफ़ी क्यूरियस था कि ये साइड कैसा रहेगा, बट यार ट्रेड टाइम की वजह से ये अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं. गाइस तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है जैसे मैंने बताया था इसके लिए बफर जोन है जहाँ पे अरब एंड ज्यूज दोनों वॉक करते हैं. यहाँ से जाओगे तो आपको मॉस्क एंड सिनेगॉग का रास्ता आएगा, बट ये अगेन देख सकते हो इसराइली गाड़ी. गाड़ी अगर देखोगे तो भाई वो इसराइली ही होगी, पैलेस्टिनियंस यहाँ पे गाड़ी चला नहीं सकते. बट यहाँ से भाई शुरू हो जाता है अगेन ज्यूज का एरिया. ये सारा जितना भी एरिया है सारे ज्यूज सेटलमेंट से जो फिलहाल इन्होंने बनाए हुए हैं, यानी हर जगह आप लोग यहाँ पे इसराइल का झंडा देखने को मिल जाएगा. एंड यहाँ पे भाई मेरे साथ मेरे गाइड अगेन मेरे को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यस माई पासपोर्ट. ओके फ्रॉम इंडिया विष्णु साहा. Listen, you can be standing. You can not go further. I cannot go further. But I want to see how the area is. I'm a traveler. I just come here to see the things. तो यार यहाँ पे तो यार इन्होंने मेरे को भी जाने नहीं दिया, पता नहीं क्या चक्कर है. तो ये बोल रहे कि आगे एक चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट के आगे मैं जा नहीं सकता, बट मेरे गाइड तो बोल रहे थे मैं जा सकता हूँ यार. यस Yes, I have passport. Can you show me, please? Yes, yes. 1 minute. Where are you from? From India. India? Yes. Came to visit? Yes. Yeah, it's right. My passport. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Shalom, shalom. Yaar, mera guide ne to yaar
काफी सही चीज बोला है। ये वाले चेक पोस्ट वाले ने मुझे छोड़ दिया यार। इस चीज से आप समझ सकते हो कि ये सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है यार, और यहाँ के मिलिट्री लोगों ने इतना कुछ कॉम्प्लिकेट करके रखा है यहाँ पे। यहाँ देख सकते हो भाई, बुलेट प्रूफ कार जो आप लोगों को हर टाइम देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे लिखा है हेब्रॉन ईयर्स ऑफ ज्यूइश हिस्ट्री। ये मैंने आप लोगों को जब मैं फर्स्ट यहाँ पे आया था बस से उतरने के बाद ये मैंने दिखाया था, और इसका जो आंसर है आप लोगों को ये वाले वीडियो में समझ आ गया होगा क्यों ये वाला बोर्ड यहाँ पे लिखा है। एंड लिखा है ईयर्स ऑफ ज्यूइश हिस्ट्री बिकॉज ऑफ द अब्राहम टॉम्ब, एंड दिस प्लेस इज वेरी होली फॉर ज्यूइश एंड ऑल्सो फॉर मुस्लिम्स। तो यहाँ पे आप लोग काफ़ी प्रो ज्यूइश स्लोगन्स एंड काफ़ी सारे ऐसे पोस्टर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा है रूट्स ऑफ ज्यूइश पीपल गाइस। तो ये है यहाँ पे बाब अल जविया क्रॉसिंग लिखा है यहाँ पे। एंड ये वाला अभी मैंने मेरे गाइड को कॉल करके पूछा कि ये क्या क्रॉसिंग है, क्योंकि यहाँ से ये सारा एरिया तो भाई H2 का एरिया है जहाँ पे इजरायली कंट्रोल्ड है, बट ये बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यहाँ से आप लोग देखो काफ़ी सारे फिलिस्तीनियन जा रहे हैं। तो ये वाला बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो एरिया आता है वो आ जाता है H1 का एरिया। H1 का मतलब मैंने बताया था आपको कि वो एरिया फिलिस्तीनियन कंट्रोल में आता है, फिलिस्तीनियन लोग रहते हैं और कंट्रोल भी फिलिस्तीनियन लोगों का ही होता है। तो वो वाला एरिया H1 है, जो कि आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मेरे गाइड के साथ में जाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बट आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम द H2 एरिया जहाँ पे इजरायली कंट्रोल्ड है यार। तो फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा था यार, यहाँ पे एक लोकल फिलिस्तीनियन कार मिल गई, मैं उनके हिचहाइक करने लगा यार, और ये मुझे भी छोड़ देंगे शायद मॉस्क के पास, ऐसा बोल रहे हैं। मी हिंद 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 इंडिया यस। यू हेब्रॉन हेब्रॉन यस 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 फिलिस्तीन वेरी गुड थैंक यू फर्स्ट विजिट या Ibrahimi Mosque. You know, there is a Hebron guest house. Hebron guest house. भाई तो कार वाले ने मेरे को जो फलस्तीनी कार थी उन्होंने यहाँ पे भाई मुझे फिर से वही जगह पे छोड़ दिया जहाँ से हमने शुरू किया था। तो आई थिंक घूम फिर के वो सारा इधर ये वाले फलस्तीनी साइड में आके शायद कनेक्ट करता होगा। तो भाई ये वाला वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ से भी मैं फिर से मिलने वाला हूँ अयमन से, जो अभी फिलहाल मेरा वेट कर रहे हैं मस्जिद के पास। एंड देन यहाँ से फिर हम लोग जाने वाले हैं H1। अभी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि कैसे अरब्स रहते हैं और मुस्लिम्स ज्यूइश सेटलमेंट्स में रहते हैं, क्योंकि लिटरली जो मुस्लिम्स है वो ज्यूइश सेटलमेंट्स के भाई बीच में रहते हैं, काफ़ी सिचुएशन है, काफ़ी टेंस है वहाँ पे भी। तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। एक्चुअली वीडियो स्टार्ट तो भाई अभी हो रही है, बट क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे भाई मेरे को जाके बच्चे वीडियो बनाने नहीं दे रहे।